रोते बिलखते लोग, चिल्लाते लोग और गुहार लगाते कि छोड़ दीजिए सर। बुलडोजर की यह तस्वीरें, बुलडोजर से तोड़ते घरों की यह तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर यानी बुलडोजर बाबा के तर्ज पर नीतीश कुमार ने आज 200 अवैध घरों पर अपना बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर जब दोपहर में इन घरों को तोड़ने के लिए पहुंची तो यहां के लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह लोग काफ़ी सालों से इन घरों में रह रहे थे और शायद मुझे लगता है कि यह अवैध तरीके से रहे थे, जिसका सरकार को बायोडाटा मिला। और सरकार को जब बायोडाटा मिला तो सरकार ने यह फैसला लिया कि इन सभी घरों को, करीब 200 घरों को तोड़ने का फैसला लिया गया। यहाँ पर कुछ लोग भी पहुँचे और कुछ ऐसे लोग भी थे, डीएम साहब ने बताया मीडिया को कि यहाँ पर कुछ बाहर के भी लोगों को इन लोगों ने बुलाया था कि इन लोगों का घर न टूटे, और रोते बिलखते कहीं ना कहीं सब चीज़ों की मांग कर रहे थे कि हमारा घर नहीं तोड़ा जाए। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यह तस्वीरें यूपी की हैं, बुलडोजर बाबा की हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बुलडोजर चलाने में माहिर हैं। अवैध तरीके से वसूल करना हो, अवैध तरीके से चलाने वाले मकानों पर बुलडोजर चलाना हो, या फिर क्राइम करने वाले आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर चलाना हो, योगी आदित्यनाथ इन सब कामों के लिए माहिर है। लेकिन यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यह तस्वीरें बिहार के राजधानी पटना की, और पटना के राजीव नगर का इलाका है, जहां पर 200 अवैध घरों को अभी तोड़ा जा रहा है। लाइव आप देख रहे हैं यहां पर, अब जनता बोलेगी न्यूज़ पर। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, पेज को लाइक कर लीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, इन घरों को तोड़ देना चाहिए या फिर नहीं तोड़ना चाहिए, इन लोगों के लिए क्या उपाय करना चाहिए सरकार को, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करिए। और क्या सोचते हैं आप, शाम की ये तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, पटना के राजीव नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस की छावनी बन चुकी है राजीव नगर, यह पटना का इलाका, जहां पर 200 घरों को आपको बता दें कि तोड़ा जा रहा है। डीएम एसपी समेत सिटी एसपी भी मौजूद हैं, कई बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, और कई बड़े आला अधिकारी हैं, जो कि क्योंकि घटनास्थल पर बहुत सारे उपद्रव लोग मचा रहे हैं, तो देखना होगा कि आगे किस तरह की तस्वीरें आते हैं। क्या यह लोग, यहाँ पर पप्पू यादव भी पहुँचे हुए थे, लेकिन पप्पू यादव की बातों का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है डीएम ने कहा कि आप सर चले जाइए यहाँ से, आपकी इसमें कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।